नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक्वा लाइन पर अपने सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर शीमैन रखने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार ये पहल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष सुविधाएं और रोजगार प्रदान करेगा। NMRC के प्रबंध निदेशक ऋतु महेश्वरी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के समावेश और सार्थक भागीदारी के लिए NMRC द्वारा ये पहल की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में केरल में कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक ऐसा ही कदम उठाया जिसमें केरल की कोची मेट्रो में 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी नियुक्त किए गए। इस कदम ने लिंग न्याय को नई दिशा दी। सुश्री महेश्वरी ने कहा कि सन 2011 की जनगणना में भारत में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर हैं, जिसमें से 30 से 35,000 लोग NCR में रहते हैं। गौरतलब है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन ने इसी साल 8 मार्च को मेट्रो स्टेशन को महिलाओं को समर्पित करते हुए पिंक बनाया गया था। इस स्टेशन पर महिलाओं के लिए स्तनपान से लेकर मेकअप इत्यादि की सुविधाएं हैं। इसके साथ ही यहां पर काफी संख्या में महिला कर्मचारी भी कार्यरत हैं। पिंक स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों में सुरक्षा कर्मचारियों को छोड़कर केवल महिलाएं शामिल हैं। इसी प्रकार शीमैन स्टेशन पर खास तौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि अगले एक महीने में नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर स्टेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा। स्टेशन पर साइन बोर्ड होंगे और यात्रियों के बीच जागरूकता लाने के लिए ऐलान भी किया जाएगा। NMRC की योजना टिकट काउंटरों और अन्य क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर के सदस्यों को शामिल करने की है। इस मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर के मुद्दों के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाएगा, जो वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक अच्छा कदम है।